अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। वहीं सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। तीन जजों की बेंच ने कहा कि सेबी की जांच उचित है और वह इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है। मार्केट रेगुलेटर ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है और अभी भी दो मामलों की जांच बची है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे दोनों मामलों की जांच पूरी करने के लिए सेबी को 3 महीने की मोहलत दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौतम अडानी ने कहा कि सत्यमेव जयते। इससे पहले बीते 24 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच और एक्सपर्ट्स कमेटी पर उठाए जा रहे सवालों को नकारते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने 2023 में जनवरी के ही महीने में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें अडानी की कंपनी के शेयर ओवर वैल्यूड होने और कीमतों में हेरफेर समेत समूह पर कर्ज को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हम सेबी को दिए गए समय में अपनी पूरी जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दे रहे हैं। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बुधवार को फैसला सुनाया। सीजीआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट को सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का सीमित अधिकार है। सेबी ही इस मामले की जांच करेगी, एसआईटी को जांच ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इसके साथ ही अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के एफपीआई नियमों को ये कहकर रद्द करने से इनकार कर दिया कि अदालतें नियामक शासन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। तीन जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस मामले में जांच ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है और इसे केवल तभी उठाया जा सकता है जब नियमों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया। कोर्ट ने OCCPR रिपोर्ट पर निर्भरता को भी खारिज करते हुए कहा कि बिना किसी सत्यापन के थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पर प्रमाण के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है। सरकार और सेबी भारतीय निवेशकों के हित को मजबूत करने के लिए समिति की सिफारिशों पर विचार करेंगे। इसके साथ ही इस पर गौर करेंगे कि क्या शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कानून का कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं। अगर ऐसा पाया जाता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला गौतम अडानी के पक्ष में आने के संकेत मिल रहे थे और अब कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है। दरअसल नवंबर में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अंतिम सच नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा सेबी की जांच पर उठाए जा रहे सवालों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था, अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिससे कि सेबी पर संदेह किया जाए। हम बिना ठोस आधार के सेबी पर अविश्वास नहीं कर सकते। वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौतम अडानी की टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सत्यमेव जयते। अडानी ने एक पोस्ट में लिखा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।